हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रेमा। आप सबको लाइफ ऑफ प्रेमा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ दशहरे के बारे में, हम कैसे बीदर में दशहरा मनाते हैं उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हम कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो यहाँ पे कैसे दशहरा सेलिब्रेट करते हैं और माँ दुर्गा का स्थापना कैसे करते हैं उसके बारे में ये वीडियो बना रही हूँ। हम जो दुर्गा पूजा करते हैं उसमें बहुत सारे रूल्स रहते हैं और हमें सारे रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो रूल्स फॉलो करते आए हैं, हमें उन्हीं रूल्स को फॉलो करके ऐसे ही पूजा करना रहता है। घर में जो हम दुर्गा माता का स्थापना करते हैं, सबके घरों में अलग अलग रिवाज रहते हैं। किसी के घर में 9 दिन के माता बिठाते हैं, किसी के घर में 5 दिन के माता बिठाते हैं, तो हमारे यहाँ हम 10 दिन का माता बिठाते हैं। हमें 10 दिनों तक सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करना रहता है और हमें उन्हें अलग अलग तरीके का भोग लगाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें हमारे घर का क्लीनिंग करना पड़ता है। हमारे जितने बर्तन हैं, जितने सारे हमारे कपड़े हैं, सबको हमें क्लीन कर लेना पड़ता है। हमने यहाँ पे सारे कपड़ों को अच्छे से धो के एक जगह पे रख दिए हैं। आप देख सकते हैं सारे धुले हुए कपड़े ही है। अभी हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमने यहाँ से जो भी हमारे भगवान थे, हम जो डेली पूजा करते हैं, उन भगवान को यहाँ से हटा दिए हैं। यहाँ से हटा के हम यहाँ पे बाजू में रख देंगे। इन्हें अच्छे से धो के यहाँ पे हम बिठाएंगे भगवान जी को। अभी हम जो भी डेली पूजा करते हैं उन भगवान को, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने माता जी का स्थापना किया है। मैं पहले एक बार वीडियो बनाई थी जिसमें मैं दिखाई हूँ आपको कि माता जी का स्थापना कैसे करते हैं। वही वीडियो बार बार दिखाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने नहीं दिखाया है। हमारा पूजा हो चुका है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, हमें सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करना रहता है और हमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालना पड़ता है। देख सकते हो फसल कितने अच्छे से उगना शुरू हो चुका है। जो हमने इसके अंदर सारे बीज डाले थे, गेहूं का, ज्वार का, वो सब अभी अच्छे से निकल रहा है। अभी हम माता जी को भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो अभी मैंने यहाँ पे आटे का स्वीट पापड़ बना रही हूँ, जो माता जी को चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ बीदर में इसे करकणी बोलते हैं। ये देखिए, मैंने 2 ग्लास आटा डाला है, तो 1 ग्लास पिसा हुआ चीनी डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से गूंद लेंगे। इसे गूंदने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा डाल के आटे को गूंदना है। हमने अभी यहाँ पे आटे को अच्छे से गूंद के रख दिए हैं। अभी इस आटे के छोटे छोटे गोले बना के हमें पापड़ के जैसे बनाना है। हमें ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, हमें अच्छे से पतले पतले बेल लेना है। ओके, ये देखिए हमने इस तरीके से बना के रख दिए हैं। हमने यहाँ पे उसमें एक छेद बनाया है क्योंकि हमें उसके अंदर धागा डालना रहता है। हमें उसी आटे से यहाँ पे माता जी के लिए मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, चोटी और बिछिया बना लेते हैं। हमें उसी आटे का यूज़ करके इन सबको बना लेना है। देखिए, अभी हमारा मंगलसूत्र रेडी है। ये मैंने यहाँ पे चूड़ियाँ भी बना लिए हैं। इसी तरीके से हमने चोटियाँ और बिछियाँ सब रेडी करके रख देंगे। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रख दिए हैं। अभी हमें इन्हें अच्छे से तेल में तल लेना है। अभी हमने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिए हैं। तल लेने के बाद हमारे पापड़ कुछ इस तरीके से दिखेंगे और हमने गुजिया भी बनाए हैं। ये देखिए, हमें पापड़ के अंदर इस तरीके से धागे को एक ही साइज़ में कट करके हमें पापड़ के अंदर डाल के
इसे बांध लेना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे धागे को पापड़ के अंदर डाल के गांठ बांध रही हूँ। हमें ऐसे ही सबको बांध लेना है। हमने जो चूड़ियाँ मंगलसूत्र वगैरह बनाए थे उनको भी एक ही धागे में डाल के अच्छे से बांध लेंगे। फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रख दिए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, हमें इन फूलों का माला बना लेना है। घर के भगवान का पूजा हो चुका है, अभी हम माता जी का पूजा करते हैं। जो भी सूखे हुए फूल हैं हमें उन सबको निकाल लेना है। देखिए हमें अभी फ्रेश फूल लगाने हैं। देखिए हमें इस तरीके से पानी डालना है और पानी डालते टाइम बहुत ध्यान से आपको पानी डालना है, क्योंकि दिया है, दिया को बुझने नहीं देना है। तो इस तरीके से हम पूजा करते हैं, बहुत ध्यान से पूजा करना पड़ता है। हमने जो माला बनाए हैं अभी हम इसको यहाँ पे बांधेंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको ये काम करना है। जिस दिन हम माता जी को जो स्वीट पापड़ बनाए हैं उस पापड़ का जिस दिन हम भोग लगाते हैं उस दिन हमें ये सब करना पड़ता है। हम इसे करकणी बांधना कहते हैं। उसी दिन हमें दिया का जो बाती रहता है उसे भी हमें चेंज करना पड़ता है। ये सब काम हमें बहुत ज़्यादा सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि दिया को ध्यान में रख के ये सब काम करना पड़ता है। हमें धीरे से हमें बाती को साइड में करके जो नया बनाए थे बाती उसमें दिया लगाना है। इस तरीके से हमें बाती को चेंज करना पड़ता है। देखिए हमने अभी नया बाती में दिया लगा दिए हैं। अभी हमें पीछे से उसे थोड़ा सा खींच लेना है। देखिए हमारा नया बाती में दिया लग चुका है। अभी ये सब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है। फ्रेंड्स अभी मैं आपको जो स्वीट पापड़ बनाए थे उसे हमें कैसे डालना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हम मंगलसूत्र वगैरह इसमें डाल के यहाँ पे बांध देंगे। जो स्वीट पापड़ बनाए थे उसे भी इसी में डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें डालना पड़ता है। हम इसे करकणी बांधना कहते हैं बीदर में। ये देखिए एक एक करके हमें सबको इसी के अंदर डाल के रखना है। समय माता जी को एक ब्लाउज का पीस भी चढ़ाना रहता है, जैसे चुन्नी चढ़ाते हैं उसी तरीके से हम एक ब्लाउज का पीस को चढ़ाते हैं। इस तरीके से हम बीदर में माँ दुर्गा का पूजा करते हैं। देखिए इस तरीके से भोग लगा के सब माता जी को चढ़ाते हैं। ये सब होने के बाद हमें नेक्स्ट डे और एक पूजा करना पड़ता है। दशहरे के एक दिन पहले हमें माता जी को भोग लगाने के लिए ये सब करना पड़ता है। ये देखिए हमें यहाँ पे इसे कड़ू बोलते हैं हम बीदर में। ये बिना मिर्च का दाल है। उड़पल्ले आमली ये सब हमें माता जी को चढ़ाना रहता है। हमारे घर में एक पंडित जी आते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी पंडित जी बैठे हुए हैं। इस तरीके से उनके पास एक टोकरी रहता है, वो टोकरी सुरजापुर से लाया हुआ रहता है। हमें उस टोकरी को अच्छे से पूजा करके हमने जो खाना बनाए थे भगवान जी को चढ़ाने के लिए, वो भगवान जी को चढ़ाने के बाद हमें
उस टोकरी के अंदर डाल के पूजा करना पड़ता है। फ्रेंड्स, हम इस तरीके से बीदर में जो लोग रहते हैं, हम माँ दुर्गा का इस तरीके से पूजा करते हैं। जो पंडित जी हमारे घर आए हुए हैं, हम सब का नीम के पत्तों से नज़र उतारते हैं। हमारे घर में जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबको इसी तरीके से नज़र उतारते हैं। पंडित जी जाने के बाद हम घर में माँ दुर्गा का पूजा करके हमें उन्हें उठाना रहता है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे बीदर में हम माँ दुर्गा का पूजा करते हैं और हमारा 10 दिन का पूजा सफल हो चुका है। फ्रेंड्स, पूरा पूजा होने के बाद हम इस तरीके से माँ दुर्गा को उठाते हैं। देखिए, 5 बार हमें ऊपर नीचे करके रखना है। फ्रेंड्स, अभी हमारा पूजा पूरा समाप्त हो चुका है। दशहरे के लिए हमें कपड़े लेने रहते हैं। हम यहाँ पे लड़कों के ही कपड़े लेते हैं। हमें दशहरे के दिन इस तरीके से ज्वार और चने को बॉईल करके सबके घर देने पड़ते हैं। दशहरे के दिन हम शाम को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। फ्रेंड्स, हम हनुमान जी का दर्शन करके हमें वहाँ से सोना खरीदना रहता है। हम यहाँ पे रियल सोना नहीं खरीदते हैं, ऐसे पत्ते रहते हैं, इसे हम सोना चांदी कहते हैं। ये देखिए, हमें यहाँ पे पैसे दे के उनको ख़रीदना है और सबके घरों में जाके हमें देना रहता है। फ्रेंड्स, हम सब बीदर में इसी तरीके से दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। हमें ये सब खरीद के घर को जाना रहता है। जाने के बाद माता जी को थोड़ा दे के अब हमारे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको देना पड़ता है। ये देखिए, इस तरीके से हम एक दूसरे को सोना चांदी देते हैं और दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। हमारे घर में भी लोग आते हैं और हम दूसरों के घर में भी जाके सोना चांदी देते हैं। देखिए, हम सब कॉलोनी में हमारे सारे फ्रेंड्स के घर जाके ये सब दे रहे हैं। यहाँ पे डांडिया के लिए अरेंजमेंट किए थे, हम सब ने मिलके अच्छे से डांडिया खेले हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किए थे। फ्रेंड्स, हम जो बीदर में रहते हैं, हम इसी तरीके से दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आने से लाइक ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आने से
लाइफ ऑफ प्रेमा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब के बटन के बाजू में बेल आइकन रहता है, उसे भी दबाइए। मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।